नमस्कार। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर संभावित मार्च के अंदर आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की मनसा रखने वाले नेताओं ने टिकट को लेकर जुगत में जुट चुके हैं। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही प्रमुख दल के अंदर राजनेताओं ने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब नागौर लोकसभा सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के टिकट की दावेदारी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि नागौर लोकसभा सीट से इस बार स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के पोते ने दांव ठोक दिया है। नागौर के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा ने बकायदा कांग्रेस आलाकमान को अवगत करवाए हैं कि इस बार नागौर से उनको मौका दिया जाए। आपको बता दें कि मनीष मिर्धा के पिता भानु प्रकाश मिर्धा 1997 में रामनिवास मिर्धा को चुनाव हराकर नागौर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए थे। अब उनके पुत्र मनीष मिर्धा ने नागौर लोकसभा सीट से टिकट की मांग की है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली नागौर आए थे। यहां पर बैठक में बाबा के पोते ने भी भाग लिया और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नागौर से दावेदारी पेश की। ऐसे में अब नागौर की राजनीति में बाबा की पोती के बाद में बाबा के पोते की एंट्री हो चुकी है। स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी एक बार नागौर से सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार ज्योति मिर्धा को नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। ऐसे में अगर कांग्रेस मनीष मिर्धा को नागौर से चुनावी मैदान में उतारती है तो नागौर में रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां पर भाई और बहन आमने सामने हो सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नागौर से इस बार मनीष मिर्धा कांग्रेस का टिकट लाने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में नागौर से कांग्रेस ने मिर्धा परिवार पर विश्वास जताया है।